तो गाइस कन्फेशन एक बहुत ही सुना हुआ शब्द है आप लोगों के द्वारा, है ना, कि कन्फेस करो कि तुमने किया है। मतलब आजकल तो बहुत ही ज्यादा चर्चित शब्द है कि यू कन्फेस दैट यू डिड इट, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज कन्फेशन एंड वेयर हैज इट बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज कन्फेशन, विल कम टू दैट, बट वेयर हैज इट बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट? यू विल से प्रोबेबली सेक्शन नंबर 24, आई विल से नो। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डिफाइन कन्फेशन एनी वेयर इन द होल एक्ट। इफ यू गो टू सेक्शन 17, एडमिशन इज डिफाइंड, यस, बट कन्फेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी सेक्शन, नाइदर 24 नो एनी सेक्शन। कन्फेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, पर कन्फेशन पर से हैज इट बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट? नो, अब एग नो। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट कि कन्फेशन है क्या। वही सेम चीज जो अभी आप अपने दोस्त से बोलेंगे अगर उसने कुछ गलती की और वो आपसे झूठ बोल रहा है, कि कन्फेस करो कि तुमने सही बोला, तुमने ये काम किया था। और अगर वो बोल देता है हाँ मैंने किया था, तो आप कहते हो देखा तुमने कर दिया कन्फेस। वही कन्फेशन है बस। क्योंकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, तो जब हम कन्फेशन की बात करते हैं, उस कन्फेशन पे कई सारी चीजें होती हैं कि कब एक कन्फेशन वैलिड है, कब एक कन्फेशन वैलिड नहीं है। अब यहां पे जो हम कन्फेशन की बात कर रहे हैं, वो किसी नॉर्मल यू नो ए टू बी कन्वर्जेशन की बात नहीं है। ये बात हो रही है कि एक व्यक्ति अक्यूज्ड है और उस व्यक्ति ने कन्फेस जब किया है, तो क्या वो वैलिड होगा, क्या वो वैलिड नहीं होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 24 जब आप पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो कहता है कि एक ऐसा कन्फेशन जिसपे इंड्यूसमेंट हो, कोई थ्रेट हो, किसी प्रकार की प्रॉमिस की गई हो, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये रेलेवेंसी नहीं रखेगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम जो है कन्फेस कर दो कि तुमने ये मर्डर किया है, तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, ये मैं प्रॉमिस भी कर रही हूं और एक साथ में आपको एक तरीके से थ्रेट भी दे रही हूं कि अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो तुम्हारे घर वालों को बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे में किया गया कन्फेशन गाइज वैलिड कन्फेशन नहीं है। तभी अगर आप लोगों ने मूवीज देखी हो या सीरीज देखी हो, तो उसमें पूछते हैं जैसा कि आपके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट तो नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से बोल रहे हो ना, कन्फेस कर रहे हैं ना कि आप गिल्टी हैं, तो कहता है कि नहीं कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं था, है ना। तो अगर वो बोल दे कि नहीं मेरे ऊपर दबाव था, तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 24 आइए देखते हैं क्या कहता है। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशियंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपेयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी ईविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। अगर कोई व्यक्ति, यानी कि अगर एक अक्यूज व्यक्ति कन्फेशन देता है इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के चलते, तो वो इरेलीवेंट है, सेक्शन 24 ये कहता है शॉर्ट में। सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दिया है, तो उसको प्रूव नहीं करना, यानी कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन वैलिड ही नहीं है, उसको इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं प्रूव किया जा सकता। सेक्शन 25 साफ साफ कहता है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो पुलिस वाला अगर आपसे बोले कि हाँ भाई बोलो तुमने ये किया था, तो मार खाने से बेहतर है, बहुत लोग जो है, बहुत लॉयर्स अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि देखो मार वार खाओगे फालतू में, लाल हो जाओगे, इससे अच्छा जो है वो बोले तुमने किया था, कह देना हाँ किया था, क्योंकि इनको दिया गया कन्फेशन तो वैसे भी वैलिड नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा है, तो क्यों पुलिस जो है वो पीछे पड़ी रहती है? एक बार को आप कबूल कर भी दोगे कि हाँ मैंने किया था, तब भी वो नहीं आपको बख्शेगी। बख्शेगी इन द सेंस कि आपसे पूछताछ तब भी करेगी कि क्यों किया था, कहाँ किया था, कब किया था। तो क्यों ऐसा होता है?
देखते हो मूवीज सब लोगों ने देखी है, मानती हूँ सीरीज भी तुम लोग सब लोग देखते होंगे। तो जब सेक्शन 25 चीख चीख के कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स द कन्फेशन, तो फिर क्या मिल जाता है इन लोगों को? क्यों ये तब भी पूछते रहते हैं? क्यों नहीं छोड़ देते अकेला? कभी जहन में ये सवाल उठा है तुम लोगों के? क्योंकि हमारे मेकर्स ऐसे नहीं थे कि वो पुलिस ऑफिसर से एक ताकत छीन के एक अक्यूज्ड को ताकत दे देंगे। दी कि ठीक है भाई कन्फेस कर दो, तुम्हारे खिलाफ नहीं प्रूफ किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप अभी सेक्शन 27 पढ़ेंगे तब आपको सेक्शन 25 में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर मिलेगा। तो क्योंकि बीच में 26 आ रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेने दो यार। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? सेक्शन 26 कह रहा है कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। भाई 25 ने कह दिया कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं, प्रूव नहीं किया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। और 26 कह रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में हो तुम और तब भी तुमने बयान दे दिया तब भी वो तुम्हारे खिलाफ नहीं प्रूव किया जाएगा, बशर्ते वहां मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी ना हो। ये ध्यान रखना है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और आपने कन्फेस कर दिया तो ठाकुर गए हो। तो सेक्शन 26 कहता है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन। आप समझ रहे हो, सेक्शन 25 ने कहा पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन आपके खिलाफ प्रूफ नहीं किया जाएगा। 27 ने कह दिया कि पुलिस कस्टडी में हो तुम और चीख चीख के कह रहे हो कि हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तुम्हारे खिलाफ प्रूफ नहीं किया जाएगा बशर्ते वहां मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति ना हो। मैजिस्ट्रेट उपस्थित होगा और चिल्ला रहा मैंने किया मैंने किया, मैजिस्ट्रेट कहेगा तुमने किया, ठीक है बेटा। हालांकि जस्ट किडिंग, मैजिस्ट्रेट आपको पूरा पढ़ के सुनाता है, आप जो भी बोलते हैं साइन कराता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ऐसे हलवा नहीं होता है। अब आते हैं 27 पे, दो सेक्शन पढ़े आप लोग बहुत खुश, अरे प्रूव ही नहीं किया जाता है। सेक्शन 27 कहता है पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन आपके खिलाफ प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उस कन्फेशन में अगर आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे दी है जिस इंफॉर्मेशन के चलते उन्होंने कुछ डिस्कवर कर लिया है, किसने? पुलिस वालों ने, और उस डिस्कवरी से उन्होंने आपका वहां होना या आपके फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी आपसे रिलेटेड कोराबोरेट करा दिया, तो फिर गए खत्म टाटा बाय बाय। तो 25-26 पार्ट छीनता है लेकिन 27 दोनों को मिला के पावर दे देता है। अब अगर याद करो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कन्फेस कर भी देते हैं तो भी फिर क्यों पुलिस ऑफिसर पूछा करते हैं कि क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, किसलिए किया? क्योंकि आपके कन्फेस करने से तो उन्हें मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट का 25 नहीं पढ़ा हुआ है? हम लोगों से ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो इसलिए पूछते हैं कि 27 में जाके वो ये इंफॉर्मेशन से डिस्कवरी प्रूव कर सकें कि ये इंफॉर्मेशन दी इन्होंने, इससे ये डिस्कवरी हुई, इस हथियार पे इनके फिंगरप्रिंट से ये रहे आपके सामने मर्डरर। सेक्शन 27 आइए पढ़ लेते हैं इसी बात पे। सेक्शन 27 कह रहा है, देखिए सेक्शन 27 पढ़ने से पहले अगर मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक बटन दोब सकते हो, और अगर मुझे अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो क्यों नहीं किया बाबा? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, कोचिंग क्लासेस बाय ऐश AISH, ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। 27 कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 28 पे। सेक्शन 28 क्या कहता है?
सेक्शन 28 कहता है गाइस, जैसे कि हम लोगों ने 24 में पढ़ा था ना कि इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है और प्रॉमिस है, तो आपके द्वारा दिया गया कन्फेशन इरेलीवेंट है। वैसे ही 28 कहता है कि अगर ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हटा के कोई कन्फेशन दिया जाए, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी अगर कन्फेशन दे रहे हैं, तो 28 कहता है कि वो रेलिवेंट कन्फेशन है। तो इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड, इट इज रेलिवेंट। सेक्शन 29 क्या कहता है, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट not to become irrelevant because of promise of secrecy etc. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it or when he was drunk or because it was made in answer to a question which he need not have answered, whatever may be the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. Please understand now section number 29. Section 29 कह रहा है कि एक confession को जस्ट बिकॉज कि अक्यूज्ड व्यक्ति ड्रंक स्टेट में है और उसने कन्फेस कर दिया, या जस्ट बिकॉज कि अक्यूज्ड व्यक्ति पे डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया है, अभी बताती हूँ उसका भी एग्जांपल, या फिर जस्ट बिकॉज कि उसको वॉर्न नहीं किया गया था कि आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं और उसने उसका आंसर दे दिया जिसमें उसने कन्फेस कर दिया है, ये अपने आप में इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, यानी कि ऐसा दिया गया कन्फेशन भी रेलिवेंट है। अब कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि हमने अभी पढ़ा ना कि पुलिस कस्टडी में दिया गया वैलिड नहीं है, है ना, 26 पढ़ा था। अब 26 में पुलिस कस्टडी में तो वैलिड नहीं है, लेकिन वहीं पे मजिस्ट्रेट जो है वो नॉर्मल कपड़ों में बैठा हुआ है, वो कोई लिखाया तो हुआ नहीं है कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, बैठा हुआ है। आप जो है अपनी खुशी में कह रहे पुलिस कस्टडी में तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, भाई मजिस्ट्रेट ने भी सुना ना, आपका नेचर देखा, समझा, सुना और जाना, तो डिसेप्शन ज़रूर आप पे प्रैक्टिस किया गया है, पर इस डिसेप्शन के तहत अगर आपने सच कबूल दिया है तो वो इररेलेवेंट नहीं है। वैसे ही अगर एक व्यक्ति ड्रंक स्टेट में है और उसने चीज़ों को कबूल दिया है, तो जस्ट बिकॉज ही वॉज इन द ड्रंकन स्टेट डज नॉट मीन दैट द कन्फेशन दैट ही हैज़ गिवन विल बी इररेलेवेंट, नो, दैट विल बी रेलेवेंट। सेम गोज कि अगर किसी ने वॉर्न नहीं किया, जैसे कि भाई मैंने बताया ना मजिस्ट्रेट बैठे और मजिस्ट्रेट ने वॉर्न नहीं किया कि भाई ये तुम कन्फेस कर रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उन्होंने उनका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज रेलेवेंट। ये हमारा सेक्शन नंबर 29 बताता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब सेक्शन 30 क्या कहते हैं, सेक्शन 30 कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन affecting person making it and others jointly under the trial for the same offense. Section 30 कहता है when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. Section हमारा कह रहा है कि मान लो A और B को jointly try किया जा रहा है C के murder के लिए। अब ये prove हो जाता है कि A ने कहा था कि B और मैंने मिलके C का murder किया है, तो court इस A के confession को B के against बिल्कुल valid मानेगा। सेक्शन 30 जॉइंट ट्रायल की बात करता है और कहता है कि जॉइंट ट्रायल के अंतर्गत जहां पे दो व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जॉइंटली ट्राई किए जा रहे हैं सेम ऑफेंस के लिए, और ऐसे में एक व्यक्ति ने अपने आप को इफेक्ट करता हुआ यानी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दिया है, तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगा एज अ कन्फेशन अगेंस्ट द अदर पर्सन। हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को नहीं करार दिया जाएगा जनरली, लेकिन सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स को कोर्ट बहुत जल्दी ऑन रिकॉर्ड ले लेती है।
जैसे कि ए और बी सी के मर्डर के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, तो ए ने क्या किया, ए ने खुद ही कोर्ट से बोल दिया कि सी और मैंने, बी और मैंने मिलके सी का मर्डर किया था। तो अब यहाँ ए तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन बी के लिए भी उसने मुसीबत खड़ी कर दी कि उसके लिए भी उसने कन्फेशन दे दिया। ये है आपका सेक्शन नंबर 30। तो 24 से लेके 30 तक जो है गाइस, ये आपके कन्फेशन के सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। आई होप आपको मजा आई होगी मेरे साथ कन्फेशन का टॉपिक पढ़ने में। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है इन केस, और आप मुझे वहाँ पे फॉलो करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं आशा लाइव, ASHA आशा जो कि मेरा नाम है, और लाइव LIVE। तो आशा लाइव इज द कोड फॉर गेटिंग योर सेल्फ इनरोल्ड इन द फ्री स्पेशल क्लासेस। एंड ऑल्सो इस समय ना संकल्प महोत्सव चल रहा है। संकल्प महोत्सव में क्या है, खूब सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो इन मॉक टेस्ट में अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हो। आपको ये QR कोड स्कैन करना है। 25th of March तक ये हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे, और इसमें गाइज यू कैन विन अप टू 20,000 रुपीज, एंड यू कैन ज्वाइन आर फ्री ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द मॉक टेस्ट इन दिस, सो यू कैन ज्वाइन माई क्लासेज एज वेल। नाउ वी हैव लिंकिंग सुपर फास्ट बैच फॉर GJS प्रीलिम्स, एंड इस GJS प्रीलिम्स के लिए ऑफर प्राइस है 14,400, और ये ऑफर प्राइस जो है फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। तो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स में अगर आप हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल अस एट दिस नंबर। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड आशा लाइव टू गेट योर सेल्स एनरोल्ड, एंड यू गेट रैपिड प्रिपरेशन फॉर GJS प्रीलिम्स। यू गेट 250+ आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज। टारगेट बैच फॉर बिहार जुडिशरी एग्जाम इज ऑल्सो है, March 18 से स्टार्ट हुआ है, 6 महीने की ड्यूरेशन का है। आपको इसमें सारे मेजर माइनर और लोकल लॉज मिलते हैं, लाइव क्लासेस विद डाउट सॉल्विंग मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलते हैं, एंड क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। यूपी मीन्स एग्जाम प्रिपरेशन आपका 23rd of March से कमिंग सून प्रोजेक्ट है, एंड अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, यू कैन यूज माई कोड आशा लाइव एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। लिंकिंग बैच फॉर यूपी मेन्स एग्जाम इज कमिंग सून ऑन 25th of March। 3 महीने का रैपिड रिवीजन है विद तनसुख पलिवाल सर एंड हिज टीम। देन लिंकिंग रैपिड रिवीजन बैच फॉर यूके बिहार जुडिशरी 25th of March इज द डे, एंड 3 months ड्यूरेशन। तनसुख सर, अनूप सर एंड सूर्य प्रकाश सर गोइंग टू टेक योर क्लासेस। MBA जुडिशरी अपकमिंग बैच 30th of March। You can call this number for more details, and like I said, you can use my code Asha Live to get yourselves enrolled. You can also meet our toppers, 100+ judges in India, so you can also be the next. And you can join a free All India Open Mock Test and win up to 20,000. Valid up to 25th of March till 7 PM. You can scan for the mock test. You can also join us on Telegram. The scan the QR code for this has been provided to you people on your screens. That's all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. We'll meet you people tomorrow with another topic from the Indian Evidence Act. If you people have any topic that you people want to study, then you can write in the comment section. I'll be more than happy taking the topics that you people ask me to. And thank you so much for joining. Bye-bye. Take care and good night.